ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उत्तर अफ्रीका के देश लीबिया से 2500 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह खतरनाक दावा किया है। यूरेनियम वो चीज है जिससे परमाणु बम बनता है, और 2500 किलो यूरेनियम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2500 किलो यूरेनियम अगर गलत हाथों में पड़ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि लीबिया में हुए कांड से पूरी दुनिया में खतरे का सायरन बज गया है। ये इतना बड़ा खतरा है कि सभी देश यूक्रेन पर परमाणु बम गिरने का डर भूलकर लीबिया पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला 2500 किलो यूरेनियम गायब हुआ है। और अगर वो यूरेनियम लीबिया में लड़ रहे किसी भी विद्रोही गुट को मिल गया तो फिर दुनिया का भगवान ही मालिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग में तो पिछले एक साल से परमाणु बम फटने की बस आशंका ही जताई जा रही है, लेकिन अगर लीबिया से गायब हुए यूरेनियम से परमाणु बम बन गया तो कई लोग मौत की नींद सो सकते हैं। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि उसके विशेषज्ञों ने लीबिया का दौरा करने पर पाया कि वहां लगभग 2500 किलो नेचुरल यूरेनियम है ही नहीं, और वो यूरेनियम लूट लिया गया, बर्बाद हो गया। कौन उसे लेकर गया, कहां लेकर गया, IAEA को कुछ नहीं पता। इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए यूएन की एजेंसी जांच में जुट गई है। क्योंकि लीबिया एक अस्थिर देश है, वहां सत्ता के लिए अलग अलग विद्रोही गुटों के बीच मारामारी छिड़ी हुई है, और जहां से नेचुरल यूरेनियम गायब हुआ वो इलाका भी वहां की सरकार के कब्जे में नहीं है। अब डर यह है कि कहीं वो लड़ाकों ने ही न चुराया हो। वैसे नेचुरल यूरेनियम से सीधे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अगर परमाणु बम बनाने की तकनीक हाथ लग जाए तो 1 टन नेचुरल यूरेनियम से 5.5 किलो से ज्यादा का बम बनाने का सामान तैयार किया जा सकता है। परमाणु बम न भी बना तो रेडिएशन के फैलने का खतरा तो मुंह बाय खड़ा ही है, इसलिए पूरी दुनिया में खलबली मची है। इधर हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी की शिकायत की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की एक टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि झींडा गांव में बिजली के मीटरों में गड़बड़ी कर गांव वाले बिजली चोरी कर रहे थे, और इसी की शिकायत पर करनाल के पास मौजूद झींडा गांव में बिजली विभाग की एक टीम पहुंची, जिसने उस गांव से बिजली के 16 मीटर जब्त कर लिए। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें अपने साथ लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकले, एक लड़के ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और बिजली विभाग की कार पर दे मारा, जिससे उस कार का शीशा चकनाचूर हो गया। इसके बाद कई और लोग भी सड़कों से पत्थर उठाकर बिजली विभाग की गाड़ियों पर मारने लगे, जिससे उनमें बैठे 2 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में आज जोगेंद्र झिंडा जो मुख्य आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि विवाद की आशंका को देखते हुए इस कार्रवाई के लिए पुलिस की एक टीम भी वहां पहले से तैनात थी, लेकिन गांव वालों ने पीछे से हमला कर दिया जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा, उनके करीबी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत शिंदे गुट में शामिल हो गए, और खुद CM एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इसके साथ ही पार्टी में उनका स्वागत किया। विचार आम्ही महासंघाची घेतले, ते जना जना पडतात ते सोबत येत आहेत। इसी हफ्ते उद्धव गुट के भूषण देसाई भी शिंदे के खेमे में शामिल हुए थे। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन भी शी जिनपिंग की राह पर चलते हुए सीरिया और तुर्की की दुश्मनी को खत्म करवा सकते हैं। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि शी जिनपिंग की मध्यस्थता की वजह से ही 2 कट्टर दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब में सुलह हो गई, और कहा जा रहा है कि पुतिन भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए सीरिया और तुर्की को एक साथ लाने में जुट गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उनके इस रूस दौरे में पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने बशर अल असद को तुर्की के साथ सुलह के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि सीरिया और तुर्की भी अपनी दुश्मनी भूलकर साथ आ जाएं। इसके लिए पुतिन भी वो कर सकते हैं जो शी जिनपिंग ने किया था, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान दोस्त बन गए। कहा जा रहा है कि इसके लिए शी जिनपिंग ने अपनी राजधानी बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के बीच 4 दिनों तक सीक्रेट बातचीत करवाई थी, और कुछ वैसा ही पुतिन भी करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रजिप तायब एर्दोआन को एक साथ बिठाना चाहते हैं। खबर है कि इसके लिए इसी साल दिसंबर में पुतिन मॉस्को में एक अहम बैठक करने वाले हैं। खबर के मुताबिक दिसंबर में मॉस्को में होने वाली बैठक में बशर अल असद और एर्दोआन एक साथ आ सकते हैं, और उसी बैठक में पुतिन दोनों को दुश्मनी भूलने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि सीरिया और तुर्की के बीच का झगड़ा सालों पुराना है। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ करीब 1.5 दशक से विद्रोह छिड़ा हुआ है, और सीरिया ये मानता है कि तुर्की ही इस विद्रोह को हवा देता है, जबकि तुर्की कुर्द लड़ाकों की वजह से सीरिया से खार खाए बैठा है, क्योंकि सीरिया में बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने हैं जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है, और उनके खात्मे के लिए वो लगातार सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले करता है, जिसकी वजह से सीरिया से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। हालांकि तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिससे तुर्की उस पर भड़का हुआ है। लेकिन अब पुतिन दोनों को साथ लाने में जुटे हैं, क्योंकि वो सीरिया और तुर्की दोनों के करीब हैं।
पिछले साल पुतिन 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच एर्दोगान से दो बार मिले थे और अब उन्होंने बशर अल असद से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि पुतिन दोनों के बीच दोस्ती करवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद भी दुनिया के कई देश उनके साथ खड़े हैं। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई और के कविता की जगह उनके एक प्रतिनिधि ईडी के दफ्तर पहुंचे। के कविता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि एक महिला होने के नाते उन्हें ईडी दफ्तर में नहीं बुलाया जा सकता, जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए उनके घर पर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगी। उधर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस से दूरी बना ली। बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता ने कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर इस मामले पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस उस प्रदर्शन का भी हिस्सा नहीं बनी थी और एक बार फिर वो महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीआरएस से दूर रही और उसकी ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के बैठक में नहीं आने पर के कविता बहाने बनाती नजर आई, शायद बिजी होंगे या शायद उनका कुछ और मंशा होगा। कांग्रेस और बीआरएस की वैसे भी कुछ खास नहीं पड़ रही। पहले केसीआर ने तेलंगाना के खम्मम में हुई रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया और फिर के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बोल दिया था, जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस बीआरएस पर हमलावर हो गई। महिला आरक्षण बिल को तो वो खुलकर कांग्रेस का मुद्दा बता रही है। जब टीआरएस पैदा नहीं हुई थी बल्कि कानून का स्वरूप देके राज्यसभा से पारित भी करा थी। यानी कांग्रेस बीआरएस पर उसका मुद्दा हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। मतलब 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस का साथ आना मुश्किल है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इस बीच यूके की सरकार ने सरकारी फोन पर चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर बैन लगा दिया। शक जताया गया कि चीन के इस ऐप से जासूसी की जा सकती है और इसी वजह से यूके की सरकार ने सरकारी फोन में चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले भारत, अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम समेत कई देश टिकटॉक पर बैन लगा चुके हैं। इधर पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार मरियम ने इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर चल रहे नाटक से पाकिस्तान की पूरी सरकार परेशान है और समझ ही नहीं पा रही कि इमरान खान के समर्थकों को कैसे रोका जाए। लेकिन मरियम नवाज का कहना इससे बिल्कुल अलग है। मरियम ने दावा किया कि गिरफ्तारी के आदेश पर हंगामा करने वाले इमरान खान के समर्थक नहीं है बल्कि इसके पीछे इमरान खान की बहुत गहरी साजिश है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के प्रांत में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। ऐसे में पीटीआई यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा। मरियम के मुताबिक पंजाब में हो रहे हंगामे को गिलगित बाल्टिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा है। आरोप तो यहां तक लगा दिया गया कि सरकारी संस्थाओं की भागीदारी भी इस हंगामे में हो सकती है। इसी शक में शहबाज शरीफ की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के डीजीपी का भी तबादला कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने इमरान खान की रैली पर रोक लगा दी और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के मीनार इलाके में रैली नहीं कर सकेगी। हालांकि उनकी पार्टी को जनसभा करने की अनुमति मिल गई है लेकिन उसके लिए उन्हें 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। उधर अमेरिका और यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अपने बयान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी को अमेरिका का गुलाम बता दिया और वहां की सरकार अमेरिका के इशारों पर चलती है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से दूसरे देशों की सेनाएं तो लौट गई थीं, लेकिन अमेरिका वहीं रुका रहा। उसने पश्चिमी जर्मनी के साथ करार कर लिया था जिसके तहत शांति बनाने के लिए वो अगले 10 साल तक वहीं रहा। लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका ने जर्मनी को अपना गुलाम बना लिया है क्योंकि अब भी 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं। इसके अलावा वहां अमेरिका के 9,500 से ज्यादा एयरफोर्स के जवान हैं जो जर्मनी की अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। यही नहीं, जर्मनी में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी मौजूद है। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। दिन के वक्त संसद पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पहुंचते ही एक मिनट के अंदर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जिस वजह से वो संसद में अपनी बात नहीं रख पाए। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके लंदन में दिए गए बयान पर एक बार फिर माफी की मांग की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर देश भर में उनके खिलाफ अभियान चलाने की बात भी कही।